देखो एक वीडियोकॉन का टीवी है, ठीक है। इसका प्रॉब्लम है, इसका साउंड आ रहा है, देखो साउंड आ रहा है, लेकिन इसका डिस्प्ले वाइट है, जिसमें पिक्चर नहीं है, ठीक है। तो इसका पिक्चर नहीं है, किस लिए क्या कारण से होता है, हम लोग इसको फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग डाउन कर देते हैं। इसको सबसे पहले तो हम लोग का ये प्रॉब्लम जो मैक्सिमम जो आता है वो पैनल से आता है, ठीक है, पैनल से आता है। तो हम लोग इसको सबसे पहले पैनल का वोल्टेज चेक करेंगे, ठीक है। ये नेगेटिव रखा, हम लोग का ये साइड जो है पैनल का वोल्टेज लाइन है, देखो यहाँ पर पैनल में आ रहा है 3.1 वोल्ट आ रहा है, लेकिन हम लोग का जो पैनल है 5 वोल्ट का पैनल है, ये 5 वोल्ट का पैनल है, यहाँ पर हम लोग का आ रहा है 3 वोल्ट, देखो 3.1 वोल्ट है ना, मीटर में 3.1 वोल्ट आ रहा है। तो इसका मतलब है हमारा पैनल वोल्टेज का प्रॉब्लम है। यहाँ पर हम लोग का देखो पैनल का लाइन कौन सा है, टीवी को पहले ऑफ कर देता है एक बार, बीप में ले जाता हम लोग पैनल का, ये पैनल लाइन है। यहाँ पर देखो एक मॉस्फेट है, तो बीप किया ना, तो यहाँ से आ रहा है पैनल का वोल्टेज आउटपुट। तो इसका इनपुट होगा, देखो यहाँ पर पैनल ये देखो पैनल VDD लिखा है, सिलेक्शन पैनल का वोल्टेज सिलेक्शन लिखा है यहाँ पर देखो। तो इसका इनपुट कोई लाइन यहाँ से होना चाहिए, देखो यहाँ पर ये 2 नंबर पिन अपोजिट का ये बीप कर रहा है मीटर, यहाँ से ये वोल्टेज यहाँ पर हम लोग फिर लाइन देकर देखता है। अभी तो लाइन तो ट्रेस हो गया कि कौन सा है। अब इसको ऑन करने के बाद पैनल वोल्टेज आता है, अभी स्टैंड बाई में है, इसको ऑन कर रहे हैं। ऑन करने के बाद पैनल वोल्टेज डिलीवरी होता है, देखो आ गया, स्टार्ट हो गया। अभी इसका हम लोग वोल्टेज चेक कर रहे हैं, इसको 20 वोल्ट में रखा है। हम लोग का जो वोल्टेज कहाँ से आ रहा है वो लाइन मिल गया, वहाँ पर वोल्टेज चेक करता हम लोग। 5 वोल्ट का पैनल है तो यहाँ पर 5 वोल्ट आना चाहिए, देखो यहाँ पर 5 वोल्ट है ना, यहाँ पर 5 वोल्ट है। ये मॉस्फेट में भी 5 वोल्ट घुस रहा है, 5 वोल्ट घुस रहा है, लेकिन आउटपुट में जो है वो 3 वोल्ट आ रहा है। इसका मतलब पैनल का जो सफिशियंट जो मैंने अप्रोप्रिएट वोल्टेज है वो पैनल को नहीं मिल रहा है। तो पैनल का अगर सही वोल्टेज नहीं मिलेगा तो क्या होगा, वो पैनल का सही काम नहीं होगा, है ना। VGL VGS ऐसा वोल्टेज कुछ भी नहीं निकलेगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे अभी, जैसे कि ये मॉस्फेट दूसरा लगाएंगे, नहीं तो हम लोग जंपर भी कर सकते हैं, ठीक है, तो मॉस्फेट को बाईपास कर देंगे। इसके लिए क्या करना है, पहले इसको हम लोग को एक तार का टुकड़ा लेना है। तार का टुकड़ा से हम लोग उसको लाइन का 5 वोल्ट को डायरेक्ट कर देंगे, मॉस्फेट को बाईपास कर देंगे, ठीक है। इसके लिए वायर रेडी करते हैं, मॉस्फेट को निकालना जरूरी है। इसके लिए हम लोग थोड़ा इसमें पेस्ट अप्लाई करेंगे, लाइन खुला है, चलो पेस्ट अप्लाई कर दिया। बड़ा वाला जो आयरन है, बड़ा आयरन से हम लोग इसको निकालेंगे, हॉट एयर का यूज़ नहीं करने से भी होगा। इधर निकल गया, निकल गया है मॉस्फेट। अभी हम लोग को करना क्या है, हम लोग को
फ्रीज कर देते हैं सोल्डर। दीप से फिर कंफर्म कर लेते हैं हम लोग का इनपुट 5 वोल्ट का लाइन, ये पैनल का वोल्टेज यहाँ पर इस लाइन में आ रहा है जगह बीप कर रहे हैं, बीप कर रहे हैं ना, और ये पैनल का आउटपुट लाइन जस्ट ऑपोजिट का लाइन है, इधर से 2 नंबर आउटपुट, इधर से 2 नंबर इनपुट, तब ये दोनों को हम लोग जम्पर कर सकते हैं तो हम लोग का 5 वोल्ट आ जाएगा। उसका भी जम्पर करना है हम लोग को, सोल्डर हो गया और इसको आउटपुट लाइन में सोल्डर कर दिया। तार को काट देते हैं यहाँ पर, अब अपना मीटर से देख लेते हैं कोई शॉर्टिंग तो नहीं हुआ हम लोग का। ये अभी यहाँ से आ जाएगा, आ गया 5 वोल्ट का लाइन, इसका साथ कोई 3 में शॉर्टिंग तो नहीं हुआ। अच्छा से देख लेना जरूरी है, मॉस्फेट का इंटरनल शॉर्टिंग अगर है तो अलग बात है, हम लोग का शॉर्टिंग हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा। आपको उसमें शॉपिंग अगर है तो अलग बात है। ठीक है, ये चारों आउटपुट है, चारों आउटपुट है, देखो ग्राउंड का साथ में इसका रेडिंग सही है, तो हम लोग फिर से इसको जमकर कर देते हैं। पहले चेक करने से प्रॉब्लम नहीं होता, एक बार में हो जाता है तो कोई बात नहीं है, होता है ऐसा कभी। पहले हम लोग
में डाल दिया। रिंग चेक कर लेते हैं। चलो ठीक है, शॉर्टिंग नहीं है। अभी इसको हम लोग चालू करके देखते हैं क्या होता है। हम लोग का ये मॉस्फेट ख़राब निकला, देखो यहाँ पर फूल भी गया है, अच्छा से देखो डैमेज हो गया मॉस्फेट। यहाँ पर हम लोग मॉस्फेट लगाने से भी होगा, उधर कर नहीं, हम लोग बाईपास कर दिया वोल्टेज को, बाइक फोल्ट हमको चाहिए। देखो सेंटर में कैसा हो गया डैमेज, दिख रहा है? हाँ, तो खराब हो गया। इनपुट घुस रहा है 5 वोल्ट, आउटपुट 3 वोल्ट दे रहा है, प्रॉपर वोल्टेज नहीं दे रहा है। तो कभी अगर ऐसा भी होता है कि स्विचिंग के लिए भी प्रॉब्लम होता है, ये तो मॉस्फेट खराब है, कभी स्विचिंग का भी प्रॉब्लम होता है, स्विचिंग नहीं होता है सीपीयू से, तो उस टाइम भी हो आउटपुट वोल्टेज नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको ऑन करके हम लोग देख लेते हैं इसका, हम लोग का 5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। अभी इसको ऑन किया, अभी स्टैंड बाई में है, इसको ऑन कर रहे हैं। अभी इसको वोल्टेज चेक कर रहे हैं, पहले वोल्टेज 20 में रख दिया। अब पैनल का वोल्टेज 3 वोल्ट आ रहा था, अभी कितना आ रहा देखता है। देखो अभी 5 वोल्ट आ गया पैनल में, अब सामने देखता है क्या कंडीशन है। बाकी नहीं देखो आ गया पिक्चर, पिक्चर आ गया। एक दागी है वो पैनल का, वो अलग चीज़ है, जब मेरा पिक्चर नहीं आ रहा था, पैनल का वोल्टेज कम था, तो मॉस्फेट खराब था उसके, हम लोग का ये पैनल काम नहीं कर रहा था, पिक्चर नहीं आ रहा था, साउंड आ रहा था, तो हम लोग इसको मॉस्फेट को बाईपास करके 5 वोल्ट को इन कर दिया, तो हम लोग का पिक्चर आ गया। क्योंकि अभी आगे का जो पैनल का प्रोसेसर है, पावर ऐसी है, सब काम करेगा, ताकि सब काम कर रहा है, तो हम लोग का पिक्चर आ गया। ठीक है, ये था वीडियोकॉन का वाइड डिस्प्ले या नो पिक्चर सोल्यूशन। चलो आज के लिए इतना ही।